लोगों का डिमांड भाई साहब, एक ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम बताइए जो मजा आ जाए सर, अच्छा हो, बेस्ट हो, जहां पे हम SIP कर सके, लॉन्ग टर्म के लिए कर सके और मुझे अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सके। आज हम लेकर आए हैं आप ही लोग के डिमांड पे एक जबरदस्त म्यूचुअल फंड, बेस्ट म्यूचुअल फंड SBI का है। लेकिन जब तक हम उस म्यूचुअल फंड का एक बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस नहीं होता है, तब तक कैसे पता चलेगा वो फंड आपके लिए सही है या नहीं है? क्या पास रिटर्न्स के बेसिस पे हम लोग गारंटी ले सकते हैं कि फ्यूचर में भी वो रिटर्न्स देगा? A to Z सारा इंफॉर्मेशन देखेंगे, क्या वो आपको करोड़पति बना देगा या सिर्फ आपको बनाएगा करोड़पति? क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग इस म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट किए हों या कुछ लोग इस म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हों, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज हम बात करेंगे जिस म्यूचुअल फंड के बारे में, वो म्यूचुअल फंड स्कीम है हमारा SBI का फ्लैक्सी कैप फंड। अब इस फंड का जो मेन रुतबा है ना सर, वो क्या है? A to Z सारा इंफॉर्मेशन देखेंगे, क्या ये फंड सही है, क्या ये इसमें पैसे इन्वेस्ट करने लायक है, क्या ये अपने इससे बेहतरीन फंड इस कैटेगरी में है। A to Z सारा इंफॉर्मेशन लास्ट में देखेंगे, क्या इसके प्रोस और कौन से हैं, क्या इसके मेरिट और डिमेरिट्स हैं, क्या इसमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या इसमें पैसा बढ़ेगा डूबेगा, क्या होगा भविष्य की बात करेंगे हम लोग, क्योंकि पास्ट रिटर्न्स नॉट गारंटी ऑफ फ्यूचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके रिटर्न्स में। तो रिटर्न्स में आपको यह खूबसूरती यहाँ पे देखने को मिल रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आप ये देख रहे हैं ना, क्या देख रहे हैं सर? आप देख रहे हैं जो येलो वाला लाइन, ये हमारा बेंचमार्क का लाइन, बेंचमार्क का लाइन होता है। ये ऊपर वाली जो लाइन है ना, वो है हमारा म्यूचुअल फंड का जो जो स्कीम है, फंड का जो रिटर्न है उसकी लाइन। अंतर क्या है, क्या अंतर है? आप यहां देख रहे हो कि भाई जो इसके बेंचमार्क है, उस बेंचमार्क से इसका जो फंड का रिटर्न है वो ऊपर दिख रहा है। एक अच्छी पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन इसलिए क्योंकि भाई ये जो आप एक बेसिक जो रिटर्न्स माना जाता है, जो एक आइडल रिटर्न्स माना जाता है, उसकी बेंचमार्क रिटर्न्स माना जाता है। और जिस BSE 500 TR में क्या करता है, बिलोंग करता है TRI में, उसका जो रिटर्न्स आप देख रहे हो नीचे का रिटर्न्स है, लेकिन इस म्यूचुअल फंड ने इसके ऊपर का रिटर्न्स बना दिया है और इन फ्यूचर में भी एक जबरदस्त इन फ्यूचर में भी रिटर्न्स बना करके दे सकता है। तो यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव साइन देखने को मिल रही है कि भाई चलो, इसने कभी भी ऐसा नहीं हुआ है जहां पे बेंचमार्क के नीचे गया है। थोड़ा सा यहाँ पे फंड की जो रिटर्न्स डाउन हुई है इन 20 के करीब में, 2021 के बीच में, जहां पे भाई सब लोग जानते हो कि कोरोना पीरियड था और एक ह्यूज नेचुरल डिजास्टर था हमारे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, और जहां पे एक से एक भूप ने अपने घुटने टेक दिए, तो उस फंड की क्या औकात है। लेकिन इसके बाद इसने जो रिटर्न्स बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को और मैक्सिमम अपने बेंचमार्क से। रिटर्न्स एंड रैंकिंग की बात जब भी हम लोग करें, तो यहाँ पे देखिए इस फंड की रिटर्न्स की बात कर रहे हैं हम लोग, और उसके कैटेगरी का यानी जो इसके कंपटीटर रिटर्न्स है उसकी बात करेंगे हम लोग। एक साल की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि इसने बीट कर रहा है भाई ये फंड को, इसके कंपटीटर्स ने लगभग 8% के रेट से बीट हो रहा है। 3 साल की बात करें, 3 साल में लगभग 1% के रेट से ये बीट हो रहा है, लेकिन 5 साल में देखें तो लगभग इक्वली आ गया है, इक्वली आ गया है। और अगर बात करें हम लोग ओवरऑल, तो लगभग 2% से अधिक का रिटर्न्स ये अधिक बना करके दिया है। यानी हम यहाँ भी पॉजिटिव साइन देख सकते हैं कि भैया लॉन्ग टर्म की बात जब भी करें, तो लॉन्ग टर्म में भैया ये हमको पॉजिटिव और अच्छा रिटर्न्स बना करके दिया है, ये अच्छा रिटर्न्स बना के दिया है लॉन्ग टर्म के अंदर। तो 16-17% का रिटर्न्स बना करके हमें आराम से दे दिया है लॉन्ग टर्म में, 10 साल के अंदर। इसके अलावा अगर बात करें इसके एसेट्स एलोकेशंस का, तो भाई इसमें इक्विटी में लगभग 95.8% करीब, यानी 96% करीब पैसा इन्वेस्ट हुआ है। 96% करीब पैसा आपके डायरेक्ट मार्केट के अंदर गया है, और भैया मार्केट के अंदर डायरेक्ट पैसा गया है, इसका मतलब है थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिस्क है, लेकिन इसके जितने इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड स्कीम है उनका भी पैसा लास्ट कैप के अंदर ही मैक्सिमम गया है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो पैसा भाई हम लोग डाल रहे हैं, थोड़ा सा रिस्क लेना है, लेकिन अब यहाँ पे सबसे मेन चीज आती है कि कहाँ गया है पैसा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन दोनों को देखें तो लगभग 75% करीब पैसा आपके टॉप 100 कंपनियों में गया है, टॉप 100 कंपनी में आपका पैसा गया है।
एक पॉजिटिव साइन है क्योंकि यहां पे जेंट कंपनी इज द पार्ट ऑफ लार्ज कंपनी, लार्ज कैप का ही पार्ट है जेंट कंपनी, यानी लार्ज में भी जो लार्ज होता है उसको जेंट बोलते हैं। मिड कैप में लगभग 21% करीब पैसा गया है, यानी सबसे मेन चीज की भाई टॉप 100 कंपनियों में लगभग 75% करीब पैसा गया है। और जहां पे आप सबको पता है कि जब टॉप 100 कंपनी में पैसा इन्वेस्ट होता है तो लगभग एक से लेकर के 100 टॉप के रैंक कंपनियों के बीच में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। इसके अलावा आपके 101 से लेकर 250 रैंक के कंपनियों में मिड कैप की रेंज आती है, जहां पे आपके 21.67 करीब पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है हमारा सेक्टर्स। इसको हम लोग मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि फ्यूचर में आपका जो म्यूचुअल फंड है किस तरीके के परफॉर्मेंस करेगा। टॉप 5 जो हमारा सेक्टर्स हैं जहां पे मैक्सिमम पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं, जैसे कि फिनेंस में लगभग 23% करीब, एनर्जी में 10% करीब, ऑटोमोबाइल्स में 8% करीब, टेक्नोलॉजी में 8% करीब, सर्विस में 7%, और इसके अलावा छोटे 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 अलग अलग सेक्टर्स में थोड़े 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 पैसे को इन्वेस्ट किया गया है। अब मेन चीज क्या होती है ना कि जैसे कि 5 टॉप सेक्टर्स हैं, अब मान लीजिए सबसे ज्यादा पैसा आपका 23% फाइनेंस में गया है, और फाइनेंस सेक्टर्स का अगर मान लो फ्यूचर में कंडीशंस खराब होती है, परफॉर्मेंस खराब होती है, इसका सीधा मतलब है कि आपके म्यूचुअल फंड का भी परफॉर्मेंस खराब होने वाला है, क्योंकि इसमें वॉल्टिलिटी का मतलब है कि आपके म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर भी बहुत अधिक वॉल्टिलिटी देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका अधिक से अधिक पैसा इसी सेक्टर्स के अंदर गया है। तो आपको अनुमान लगाना है कि भाई हमारा पास्ट परफॉर्मेंस कितना बढ़िया था, ये मैटर नहीं रखता, फ्यूचर में हमारा ये स्कीम बढ़िया परफॉर्मेंस देगा कि नहीं देगा। अब वो सारी चीजें डिपेंड करती है हमारे सेक्टर्स एलोकेशंस के अंदर। अगर सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसका सीधा मतलब है कि भाई साहब आपका म्यूचुअल फंड भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, और इन 5 सेक्टर्स को देखकर लगता है कि ये अच्छे परफॉर्मेंस करने के काबिल हैं, और इन फ्यूचर्स में इन पे ही हमारा पूरा इकोनॉमी डिपेंड होने वाला है। इसके अलावा टॉप कंपनियों की बात करें, जहां पे रिलायंस इंडस्ट्री है, एनर्जी सेक्टर से सबसे ज्यादा पैसा 6% पैसा आपका आपका सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री में गया है। आईसीसी में भी 5% करीब, महिंद्रा में लगभग 5% करीब, इंफोसिस में 3%, एचडीएफसी में 2% करीब, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के 2%, 2%, 2%, 2%, महिंद्रा, भारतीय एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा में गया है। अब इन कंपनियों को टॉप की मैंने कंपनी लिया है, टॉप 10 कंपनी की बात करें तो इन कंपनियों का परफॉर्मेंस, इसका सीधा मतलब है आपके म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस। क्या आपका म्यूचुअल फंड सच में परफॉर्मेंस करेगा, इन कंपनियों पर डिपेंड करता है। मान लीजिए रिलायंस बहुत खराब परफॉर्मेंस करेगा, इसका मतलब है कि आपके म्यूचुअल फंड के अंदर 6% की वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है। आईसीसी अगर करता है तो कम से कम 5% की आगे पीछे थोड़ा बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी 5% के करीब, उसी में आपके आपको वॉलिटिलिटी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बढ़ेगा रिलायंस तो सबसे ज्यादा आपके म्यूचुअल फंड में लगभग 6% का उतार चढ़ाव, वो आप अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपके चीजें चेकआउट जरूर करिए, जब भी म्यूचुअल फंड में सिम में पैसा लगाइए भाई, बिना चेक किए न जाइए, पैसे आपके हैं। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करें तो लगभग 20K के करीब पैसा, यानी उसके फंड साइज जबरदस्त, फंड साइज भयंकर, फंड साइज भाई भयंकर, फंड साइज कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्त फंड साइज है। इसके अलावा बात करें एक्सपेंस रेशियो का, तो 0.85 करीब है, 8.5-8.3 करीब पैसा जा रहा है। 2013 में लॉन्च हुआ था, एनएवी नेट एसेट्स वैल्यू जो है 108 चल रही है, पर यूनिट प्राइस है। अगर बात करें कुछ हम लोग यहाँ पे ट्रेनर्स रेशियो और अल्फा की, तो यहाँ पे थोड़ा सा हताश करने वाली बात है, थोड़ा सा निराश करने वाली यहाँ पे रेशियो आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इसके नेगेटिव साइन है, क्योंकि जो रिस्क एडजस्टमेंट है इसका बहुत खराब है, अच्छे से रिस्क को एडजस्ट नहीं कर पाता है। लेकिन अगर हम लोग इसके कंपटीटर को देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर फ्लेक्सी कैप के बाकी इसके कंपेयर इसके इक्वल फंड देखें तो वो भी लगभग आगे पीछे ही, थोड़े बहुत आगे पीछे, लेकिन अपने कंपटीटर से थोड़ा सा इसने खराब रिस्क मैनेज किया है। प्रोज एंड कॉइंस की बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि भैया प्रोज में, यानी कि इसकी जो पॉजिटिव साइन है वो है मेरिट है कि भाई 0.85 करीब, 8.3 करीब क्या है एक्सपेंस रेशियो है।
इसके रिटर्न्स की बात करें कि लॉन्ग टर्म में 2% प्लस का रिटर्न्स बना करके अपने एवरेज कैटेगरी की फिर दिया है। इसके बात करें इसके जो नेगेटिव साइंस की नेगेटिव साइन का, तो भाई 1 साल 3 साल और 5 साल के अंदर इसने अपने कैटेगरी से थोड़ा सा खराब परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो ये अब मिला जुला के इसका थोड़ा सा एक समरी है और सारांश है। आइए देखते हैं कि एस आई पी कैलकुलेटर थ्रू क्या कहता है भाई। जैसे कि आप एज्यूम कर लीजिए कि आपने एस आई पी करना है, एस आई पी आप अगर करते हो, एस आई पी 1000 रुपीज आप महीने के करते हो, महीने का आप एस आई पी करते हो, आपका जो टारगेट हम लोग लेते हैं 17% टारगेट ले लेते हैं पर एनम का रेट, तो कितने समय में आप करोड़पति होते हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेटर के थ्रू समझते हैं कि कितने समय में आप भाई करोड़पति हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको हमने लिया है, जहाँ पे आप 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करते हैं पर मंथ का, 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करते हैं, 17% का हम लोग रिटर्न से लेते हैं, तो लगभग आप 30 साल के अंदर कितना पैसा बनेगा सर? तो लगभग आप 30 साल के अंदर, अगर 30 ईयर्स के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 30 ईयर्स के लिए अगर आप पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 3,60,000 करीब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और टोटल वैल्यू जो बनेगी लगभग 1,12,00,000 के करीब आपकी वैल्यू बनेगी। यानी कि आप 1,000 रुपये पर महीने के इन्वेस्ट करते हैं, तो भाई थोड़ा सा आपको 1 करोड़ पार करने में लगभग 30 ईयर्स आपको लग जाएंगे। बहुत सारे जो हमारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं, उनका प्रश्न होता है सर आफ्टर 30 ईयर्स 1 करोड़ की क्या वैल्यू होगी, बिकॉज आप इन्फ्लेशन रेट जानते हो कि 6% इन्फ्लेशन रेट हर साल बढ़ता है। तो मैं सलाह देता हूं कि जब भी आप म्यूचुअल फंड करिए तो भैया आप 8 से 10% का हर साल टॉप अप किया करिए, ताकि आपको इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा बर्डन देखने को ना मिले और आपको एक ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ ह्यूज कंपाउंडिंग का भी एक मैजिक देखने को मिल सके। तो आप टॉप अप किया करिए, 1,000 का करते तो हर साल आप 10 रुपये, फिर उसके हर साल आप क्या करिए कि थोड़ा 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 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 200 बढ़ाया करिए, क्योंकि हर साल तो आपके इनकम्स भी तो इंक्रीज होते हैं। तो इन्फ्लेशन के साथ साथ अगर 10% का टॉप अप करेंगे तो इन्फ्लेशन का बर्डन देखने को नहीं मिलेगा। हमारे चैनल पे इस तरह के कंटेंट रेगुलर बेसिस पे मिलते रहते हैं, और आपको चाहिए तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को बेनिफिट्स मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।